हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थ। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास से भी स्टार्ट हो जाती है इनफैक्ट, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आपने क्या किया है अभी तक 9th क्लास के अंदर, किस कौन सी प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की है अभी तक? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मतलब जो प्रोबेबिलिटी हम किसके थ्रू प्रूव करते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे आपने कॉइन उछाला, एक कॉइन उछाला, एक कॉइन आपने एक बार उछाला है, एक कॉइन अगर एक बार उछाला है तो उसके क्या क्या आएगा, वहां से हेड आने का, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या पढ़ा हुआ है कि हेड आने का चांसेस क्या होगा, टेल आने का चांसेस, या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो क्या होती है आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, है ना। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा और भी डिटेल में बताऊंगी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कहाँ से ये है, ठीक है, कैसे आप इसको यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी अगर होने की है तो क्या है, अगर ना होने की है तो कैसे निकालते हैं। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है, पूरा बेस से मैं करवाऊंगी आपको। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या होता है, चांस होता है। क्या होता है, चांस। यानी कि प्रोबेबिलिटी का आप क्या नाम दे सकते हैं, एज अ चांस नाम दे सकते हैं कि कोई भी इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपने मान लीजिए वही कॉइन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉइन आपने उछाला, अब कॉइन के कितने पहलू होते हैं, हेड और टेल, ठीक है। अब कॉइन को आप उछालते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा, एक्सेप्ट द कि आप सैंड पे उछाल रहे हैं, सैंड पे खड़ा भी हो सकते हैं, लेकिन वो चीजें आपने नेग्लेक्ट करनी, वो चीजें क्या करनी, आपने नेग्लेक्ट करनी, ठीक है। तो या हेड आएगा या टेल आएगा, अगर आपसे पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं आपके पास, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 50% हुई। यानी कि हेड एक साइड आ रहा है, एक साइड टेल आ रहा है, यानी कि चांस कितना हुआ हेड आने का, 50% हेड आने का चांस है, 50% टेल आने का चांस है, यानी कि 50%, यानी कि 1/2। क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि आप, कोई बंदा बोल देता है कि हेड, आप एक कॉइन उछालिए, वो आपके ऊपर है कि आप कितने बार उछालते हैं। मान लीजिए आपने 1000 बार उछाला, आपने 2000 बार, 3 बार, 3000 बार, 4000 बार, कितनी बार भी उछाल लीजिए आपके ऊपर, ठीक है। ये तो आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक बार उछाला, या आपने 1000 बार उछाला तो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया था, हेड की जो प्रायोरिटी आती है वो 1/2 आती। लेकिन कोई बंदा बोल देता है कि आप अपने अपने ऊपर उछालिए, आपके ऊपर है ये सारा का सारा, बस मुझे ये बता दिए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उस केस में आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होगी, मतलब एक्सपेरिमेंट करके नहीं कर सकते हैं आप। उस केस में आपकी कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ना होगा। थ्योरेटिकल अप्रोच से कैसे आप प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, तो थ्योरेटिकल अप्रोच के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड, इक्वली लाइकली इवेंट। मतलब वही सेम केस लेके चलू, मैं एग्जाम्पल एक ही लेके चलूंगी फिलहाल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने कॉइन उछाला, कॉइन का एक फेस हेड होता है, एक फेस टेल होता है, ठीक है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछे, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कॉइन उछालोगे कुछ ना कुछ तो आएगा, कॉइन उछालोगे भाई कुछ ना कुछ तो आएगा, ये तो नहीं है ना कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, कोई चांस तो बन रहा है, कोई प्रोबेबिलिटी तो बन रही है, या हेड आने की या टेल आने की। तो यानी कि हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, तो ये दोनों के दोनों इवेंट, हेड और टेल, दोनों के दोनों क्या है, इक्वली लाइकली है। यानी कि हेड आने के चांसेस भी उतने ही है और टेल आने के चांसेस भी उतने। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए आप स्कूल में हैं, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता उसे नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन पूछ रही है वो, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रही है, या फिर आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जो होगा, मान लीजिए टिक करना है आपने, 4 ऑप्शन दिए, 4 में से टिक आपने करना, ठीक है। अब आप टिक करेंगे, 2 ऑप्शन है, मान लीजिए टू ऑप्शन में से आप टिक करेंगे, तो या तो आपका करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, यही बात हुई,
या तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा या क्वेश्चन राइट होगा। अगर आपको क्वेश्चन का जवाब देना ही देना है, देना ही देना है, और आपके पास ऑप्शन है एक राइट एक रॉन्ग, तो यानी कि दोनों के दोनों कैसे इवेंट हो गए, इक्वली लाइकली इवेंट हो गए हैं या नहीं हो गए, हो गए। अब थर्ड एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए एक कार है, ठीक है। अब कार को आप, वो पूछ रहा है कि कार, अगर आप कार को स्टार्ट कर रहे तो कार स्टार्ट होगी या नहीं स्टार्ट होगी, बताइए क्या ये इवेंट इक्वली लाइकली है। अरे भाई हमें क्या पता कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, उसके अंदर फ्यूल की, पहले हम फ्यूल चेक करेंगे, इंजन देखेंगे, अगर उसका इंजन ही खराब है तो हम थोड़ा ना बोल सकते कार स्टार्ट होगी नहीं, ठीक है। मतलब देखते ही तो हम कार स्टार्ट होगी, यानी कि दो प्रोबेबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी तो इक्वली लाइकली तो नहीं हुई ना, क्योंकि उसके अंदर क्या हो सकता है, फ्यूल की दिक्कत आ सकती है, इंजन की दिक्कत आ सकती है। मतलब चांसेस 100% तो ये नहीं बने ना कार स्टार्ट होगी या कार डू नॉट स्टार्ट, हम नहीं बता सकते हैं कि कार स्टार्ट होगी या नहीं। लेकिन हाँ हम ये बता सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, हम ये बता सकते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब ये बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि हाँ बच्चा क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, क्या देगा बच्चा क्वेश्चन का आंसर, राइट देगा या फिर रॉन्ग देगा। अब बाय चांस गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है, स्टार्ट तो हो गई है, और थोड़ी देर चल के फिर रुक गई है, तो रुक गई है तो फिर क्या करेंगे आप, फ्यूल की कमी की वजह से रुक गई है, स्टार्ट एक बार स्टार्ट हो गई है लेकिन रुक गई है, तो फिर क्या करेंगे, वो स्टार्ट भी हो गई है वो रुक भी गई है, इसका मतलब दोनों ही चांस तो इक्वली लाइकली तो नहीं हुए ना, नहीं हुए। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं, ऐसे इवेंट, ऐसे इवेंट जिनका होने का चांसेस क्या होता है, इक्वल होता है, जिनके होने के चांसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि जिन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो हमेशा क्या निकल के आती है, सेम निकल के आती है, सेम पैटर्न पे हमारी निकल के आती है। मतलब जितने चांसेस एक इवेंट के होने के हैं उतने ही चांसेस दूसरे इवेंट के होने के। क्लियर हुआ कंसेप्ट? प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक चांस होती है जो कि आपका हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब ट्रू भी हो, प्रोबेबिलिटी क्या, एक चांस है जो कि आपका ट्रू भी हो सकता है और एक फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, यही है। अब बारिश, आसमान में बादल, आप क्या कहेंगे, देख के क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं भाई आज तो बारिश, वो एक बंदा बोल रहा है बारिश होगी, दूसरा बंदा बोल रहा है नहीं होगी, अरे या तो होगी या नहीं होगी, तो यानी कि क्या है, होने के और ना होने के चांसेस क्या है, इक्वली लाइकली, क्या है, इक्वली लाइकली। कंसेप्ट हुआ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी। अब कोई भी इवेंट है आपके पास, लेट ई बी द एनी इवेंट, ई बी एनी इवेंट, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसे डिनोट करेंगे हम, क्या लिखेंगे ऊपर, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये आप पढ़ चुके हैं नाइन्थ क्लास में भी, फिर भी दोबारा बता देती हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसके फेवर में कितने केसेस जाते हैं, यानी कि अगर आपने कॉइन को तीन बार उछाला है, कॉइन को तीन बार उछाला है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे, आठ, कौन कौन से आ सकते हैं, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल 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 टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ सकते हैं, एट, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस, समझिए एग्जांपल से ही समझाऊंगी। यानी कि अगर आपने कॉइन को तीन बार उछाला है तो उसके इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ सकते हैं आपके पास, आठ। अगर वो पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू हेड अकर, कितने हेड आने चाहिए, दो हेड आने चाहिए, दो हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, ठीक है, बस कितने प्लेसेस पे आए, दो हेड आपके पास, तीन प्लेसेस पे आए। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि उसके फेवर में कितने केसेस जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टू हेड कितने टाइम आ रहे हैं, थ्री टाइम आ रहे हैं, तो फेवर में कितने केसेस जा रहे हैं इवेंट के, थ्री केसेस जा, तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, थ्री बाय एट आपके पास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, थ्री बाय एट। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, ये बताने से पहले एक चीज और बता देती हूं मैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा किस किस के बीच में लाई करती है, जीरो और वन के बीच में लाई करती है, वो जीरो भी हो सकती है, वो वन भी हो सकती है, ये बताऊंगी मैं क्यों जीरो हो सकती है, क्यों वन आपकी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई है, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई है, तो उसके ना होने की, ना होने की मतलब इसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार से, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर होने की ई है तो उसके ना होने की क्या होगी, ई बार। यानी कि अगर वो आपसे ये पूछ ले
अगर वो इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दैट टू हेड्स आर नॉट अकर, कि दो हेड नहीं आने चाहिए, दो हेड नहीं आने चाहिए, तो आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? दो हेड आने की निकाल दीजिए, दो हेड आने की निकाल दीजिए, और उसको कहां से माइनस कर दीजिए? वन में से माइनस कर दीजिए, तो आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ दो हेड ना आने की, यानी कि ना आने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हैं? वन माइनस आने की प्रोबेबिलिटी, वन माइनस आने की प्रोबेबिलिटी। कोई भी इवेंट अगर हैपन हो रहा है, कोई भी इवेंट अगर घट रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी को अगर वन में से माइनस कर देते हैं तो किसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ना आने की निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? और अगर अगर आपके पास कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट में आपके पास बहुत सारे इवेंट अकर हैं, बहुत सारे इवेंट आपके पास हो रहे हैं, तो उन सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? वन। यानी कि अगर आपके पास ई एन इवेंट हो रहे हैं, अगर आपके पास टोटल कितने इवेंट हो रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर? एन इवेंट हो रहे हैं, तो इन सारे इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल। यानी कि अब जरा यहां से देखिए, एक कॉइन को आप उछालते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, इसके अंदर कितने इवेंट होंगे? दो इवेंट होंगे, आइदर हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, अगर एक बार उछालते हैं तो। यानी कि दो इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं, हेड वाला हो रहा है और टेल वाला हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहां से आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी की हेड आने की और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना निकल के आएगा? वन। चेक करना चाहते कर भी सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या निकल के आएगी अगर कॉइन को एक बार उछालते हैं तो? वन बाय टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या निकल के आएगी? वन बाय टू। वन बाय टू प्लस वन बाय टू कितना निकल के आएगा आपके पास? वन निकल के आएगा। यानी कि हमेशा किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या निकल के आता है? वन निकल के आता है। कितना निकल के आता है? वन। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है। ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो, ठीक है। अब देखना, अब मुझे एक चीज बताइए कि आपने एक कॉइन को टॉस किया और सामने वाले बंदे ने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड एंड टेल अकर। अगर आप कॉइन को एक बार उछालते हैं, अगर कॉइन को एक बार उछालते हैं तो हेड और टेल क्या आ सकता है एक साथ? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब ये इवेंट कैसा है? इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। दूसरा एग्जांपल दूं, चलिए दूसरा देखते हैं। एक डाई को आपने थ्रो किया, कितने फेसेस होते हैं? सिक्स फेसेस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। उसके अंदर अगर आपसे पूछे क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट इज अकर ऑन द डाई, कि डाई के ऊपर क्या आना चाहिए? आठ आना चाहिए। क्या डाई के ऊपर आठ आ सकता है? आठ आ सकता है? जी नहीं, उसके ऊपर से सिर्फ छह तक ही आ सकते हैं। सिर्फ कितने तक आ सकते हैं? छह तक आ सकते हैं। इसका मतलब इवेंट इज नॉट पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपके पास? जीरो। तो यानी कि जीरो, बिकॉज कोई भी उसके फेवर में ही नहीं जा रहा है। आठ तो कहीं आ ही नहीं सकता है, छह तक ही आ सकते हैं, आठ नहीं आ सकता। इसका मतलब जीरो केसेस, ठीक है। तो जीरो बाय वन दैट इज इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं श्योर इवेंट, यानी कि जो होगा 100% होगा, हमें गारंटी है कि हाँ ये तो होगा ही होगा। मान के चल लेते हैं कि आपने एक डाई उछाली, ठीक है, उसके अंदर अगर बोल दे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर गेटिंग लेस देन सेवन, कि सेवन से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या है। अब डाई के ऊपर तो सेवन से छोटे ही नंबर होते हैं सारे के सारे, चाहे वन आए, चाहे टू आए, चाहे थ्री आए, चाहे फोर आए, चाहे फाइव, चाहे सिक्स, कुछ भी आ जाए, आएंगे तो सारे के सारे सेवन से लेस, कुछ भी आ जाए हमेशा क्या रहेगा? वो सेवन से तो लेस ही रहेगा। इसका मतलब कैसा इवेंट है ये? श्योर इवेंट है, 100% आपका सेवन से लेस आएगा अगर आप डाई को उछालते हैं तो। यानी कि कितने? 6/6, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 6, और फेवर में भी केसेस कितने गए? 6, क्योंकि सारे के सारे सेवन से छोटे, तो 6/6, यानी कि आंसर कितना आया आपके पास? 1। क्लियर हुआ कंसेप्ट? आई कोई दिक्कत? नहीं आई, हो गया बेस क्लियर सारा का सारा प्रोबेबिलिटी के। अब करें क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन की बारी है, अब सारे के सारे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। चलिए देखते हैं, बर्फ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड,
क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का क्या है, एक बार मैं ले आती हूँ बुक, फिर देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड रुकिए, आ गया है, दैट्स ये। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई लिख दे या फिर ई बार लगा दे, इसको ऐसे भी लिख सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो नॉट ई लिख दे या ई बार लगा दे, मतलब वही है, यानी कि कितनी निकल के आती है आपके पास, वन निकल के आती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन हैपन इज सच एन इवेंट इज कॉल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता है, जो इवेंट हो ही नहीं सकता है, द प्रायोरिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अब जो इवेंट हो ही नहीं सकता है, कोई इवेंट जो हो ही नहीं सकता है, आज का एग्जाम्पल दिया था जो हो ही नहीं सकता, तो वो इवेंट कैसा है? पहले तो इम्पॉसिबल इवेंट है। कैसा इवेंट है वो? इम्पॉसिबल। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी? जीरो होगी, ठीक है। और थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट सर्टेन टू बी है, कि जो हमें पता है कि हाँ भाई होगा ही होगा, श्योर है हम इस चीज के बारे में कि हाँ ये तो होगा ही होगा, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं, उसको श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्योर इवेंट भी और सर्टेन इवेंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी? अगर प्रोबेबिलिटी पूछे तो आपसे क्या होगी? इसकी वन होगी। क्या होगी प्रोबेबिलिटी? हमेशा वन। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, बताया मैंने कि किसी भी इवेंट में जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, आई थिंक इन सब की इक्वेशंस तो देने की जरूरत नहीं, आपके पास बुक अवेलेबल है, ठीक है, वहीं से आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है ये, कि द सम ऑफ, लिख देती हूँ चलिए, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट, कि एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होंगे उन सबका सम क्या निकल के आएगा आपके पास? वन निकल के आएगा, ठीक है। लास्ट देखिए क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो और लेस देन क्या होगी? वन। ग्रेटर देन इक्वल टू भी, हमेशा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और इक्वल टू वन। जीरो कब होगी? जब वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट है, और वन कब होगी? जब वो आपका श्योर इवेंट है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। करें सेकंड क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स, आपको बताना है, मैं चार एग्जांपल आपको दूं, आपको बताना है कि इनमें से इक्वली लाइकली इवेंट कौन सा है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर है, वो एक अटेम्प्ट करता है कार को स्टार्ट करने का, तो कार स्टार्ट होगी या फिर स्टार्ट नहीं होगी, बताइए क्या ये इक्वली लाइकली है? अब इक्वली लाइकली कब मैंने बताया था आपको? इक्वली लाइकली मैंने कब बताया था? कि जब आपके पास दो इवेंट हो रहे हैं, दोनों ही दोनों अनबायस्ड, मतलब दोनों में कोई भी हेरा फेरी नहीं है, मतलब दोनों के घटने के चांसेस इक्वली हैं, है ना। अब मैंने क्या बताया आपको? कि फ्यूल की कमी की वजह से हम नहीं बता सकते कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, दोनों में से कोई भी इवेंट हम नहीं बता सकते कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब ये वाला इवेंट आपका इक्वली लाइकली नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल एंड शी ही शूट्स और मिसेस द शॉट, सेम यही वाली कंडीशन इसी के अंदर, ठीक है, कि बास्केटबॉल को शूट करने का उसने अटेम्प्ट किया कि वो शूट कर सकता है या नहीं कर सकता है, यानी कि इसके बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या ये इवेंट इक्वली लाइकली है या नहीं है, इसका मतलब ये इवेंट आपके इक्वली लाइकली नहीं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज रॉन्ग और राइट। ट्रायल किसका हुआ है, ट्रू का या रॉन्ग आंसर का, ट्रू या फॉल्स का, या तो ट्रू है या फॉल्स है, या ट्रू है या फॉल्स है, मतलब दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू है या फॉल्स है। ट्रायल ट्रू और फॉल्स के बीच में ही हुआ है, दो ही कंडीशन है, ठीक है। अब दोनों कंडीशन के अंदर से सामने वाला बंदा क्या आंसर देगा, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, इसका मतलब ये कैसा इवेंट है आपका? इक्वली लाइकली इवेंट है। कैसा इवेंट है आपका? इक्वली लाइकली। नेक्स्ट देखिए, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल,
एक बेबी बोर्न होगा तो ऑब्वियस ही बात है या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, तो बॉय आने की भी उतनी पॉसिबिलिटी है, गर्ल्स आने की भी उतनी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये दोनों इवेंट कैसे हैं आपके, इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, समझ आ गया इक्वली लाइकली क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या कंसेप्ट है ये इक्वली लाइकली के केस से ही आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये आप खुद करेंगे, आप लोगों के लिए छोड़ दिया मैंने थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बड़े अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फोर्थ देखते हैं क्या हमारे पास। इतना समझाने के बाद तो आई थिंक कर सकते हैं आप लोग, है ना, थर्ड क्वेश्चन को इक्वली लाइकली के बेस्ड पे है ये मतलब। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑप्शन क्या क्या दिए है आपको कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है इवेंट की, 2/3, -1.5, 15%, 0.7। अब मुझे एक चीज बताना जरा, मुझे एक चीज जरा बताना आप कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या होता है, 1। 1 का मतलब क्या होता है, हमेशा 100%। 1 का मतलब हमेशा क्या होता है, 100%, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से लेके 100% तक, यही मतलब हुआ इस चीज का, 0 से लेके 100% तक। अब यानी कि 15% है तो ये मत समझ लेना कि परसेंटेज में आ गया तो प्रोबेबिलिटी ये नहीं हो सकती, 15% चांसेस है उसके कितने होने के, 15%, यानी कि ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, 0.7 भी हो सकती है, क्योंकि क्या लिख सकते हैं आप, 1 को क्या भी लिख सकते हैं आप, 0 से लेके 1.0 तक, 1.0 तक इसके बीच में क्या क्या आएंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, सारे के सारे नंबर आएंगे, ठीक है, तो यानी कि ये भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। अब क्या -1/5 हो सकता है, -1/5 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव में नहीं जा सकती, नहीं जा सकती है ना, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया इसका कि जो इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ये वाली आपकी पॉसिबल नहीं। क्लियर हुआ, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको दिया हुआ है 0.005, आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगी, ई बार की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यही होगा। अब 1 माइनस 0.05 कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 0.95। क्लियर हुआ, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, हो गया क्वेश्चन फिफ्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, एक बैग के अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है, उसके बाद मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, वो बैग में से एक कैंडी बाहर निकाल देती है, ठीक है, अब हमें नहीं पता कितनी कैंडीज है बैग के अंदर, ठीक है, फिलहाल हमें कुछ नहीं पता कैंडीज कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बाहर निकालती है, ठीक है। अब देखिए एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब बैग के अंदर कैसी कैंडी है बताना मुझे, बैग के अंदर कैसी कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडीज, ठीक है। अब बैग के अंदर जितनी भी कैंडीज है वो सारी की सारी कैसी है, लेमन फ्लेवर्ड की, ठीक है। अब उसने बाहर कौन सी निकाली है आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बाहर निकालने की। अब जब बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है ही नहीं तो निकलेगा क्या बैग से बाहर, निकलेगा बैग से बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये इवेंट कैसा हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट, कैसा इवेंट हुआ ये आपका, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 0, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, हमेशा 0। आया कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए इसी का पार्ट, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की, कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बैग के अंदर सारी की सारी ही कैंडी क्या है, लेमन फ्लेवर की है, तो कोई भी कैंडी आप बाहर निकाल दीजिए वो हमेशा कौन से फ्लेवर की निकलेगी, कौन से फ्लेवर की निकलेगी, लेमन फ्लेवर की निकलेगी, कौन से फ्लेवर की निकलेगी, लेमन फ्लेवर की। इसका मतलब ये इवेंट कैसा आपका, श्योर इवेंट है, कैसा इवेंट है ये आपका, श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1, क्योंकि बैग के अंदर सारी की सारी कैंडीज ही लेमन फ्लेवर की है, तो बाहर भी तो लेमन फ्लेवर की निकलेगी अगर निकालेंगे तो, आई कोई दिक्कत नहीं आई, कर लेंगे अच्छे से, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देती हूँ इसको फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए सेवंथ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है,
इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.99 कि दो स्टूडेंट है उनका बर्थडे सेम डे पे ना आए. लेट हम मान लेते इसको ई बी द इवेंट. लेट ई बी द इवेंट दैट टू स्टूडेंट, उसको इवेंट मान लीजिए बस आप जो दी हो ना उसको इवेंट मान लीजिए. अगर टू स्टूडेंट हैविंग द बर्थडे नॉट ऑन द सेम डे, कि दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे को नहीं हो सकता, उसका हमने क्या मान लिया इवेंट क्या मान लिया ई. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है 0. प्रोबेबिलिटी दी हुई है भाई कितनी दी हुई है 0.992. ठीक है अब नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पे आए. अब किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पे नहीं होना चाहिए, दो स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे पे नहीं होना चाहिए. अब सेम डे पे होगा मतलब इसका इसका अपोजिट इसका कॉम्प्लीमेंट. हाँ दूसरी चीज उसको आप बार को आप क्या भी बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि हमेशा हमेशा ई और ई बार आपके एक दूसरे के क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब अपोजिट, यानी कि ये अगर होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये वाला नहीं है ना. अब यहाँ पे क्या है ई कैसी प्रोबेबिलिटी मानी है कि दोनों का बर्थडे सेम डे पे नहीं आना चाहिए, तो दोनों का बर्थडे सेम डे पे आएगा इसका मतलब ई बार, यानी कि ई बार आपका कौन सा इवेंट हो गया ई बार बी द इवेंट दैट टू स्टूडेंट्स having birthday on same day पे उसका birthday होएगा ई बार. वो बोल रहा है नहीं होगा, ये बोल रहा है होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर ना होने की, वन में से हम क्या कर देंगे होने की माइनस कर देंगे भाई, तो आंसर कितना निकल आएगा 0.008. तो यानी कि अगर उनका बर्थडे सेम डे पे आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस कितने हैं, प्रायोरिटी क्या होगी उसकी 0.008 होगी. क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी. करें नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रेफर कर दो इसको फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास. देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर. चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है. एक टाइप के क्वेश्चन आप खुद करेंगे ठीक है, मैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी. जैसे कौन सा क्वेश्चन कराऊं अभी, चलिए एट्थ में छोड़ देती हूँ, नाइन्थ में करा देती हूँ क्योंकि एट्थ और नाइन्थ एक जैसे. चलिए एट नाइन्थ करते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन फाइव रेड मार्बल्स एट व्हाइट मार्बल्स एंड फोर ग्रीन मार्बल्स. क्या क्या है उसके पास, फाइव कौन सी मार्बल्स है रेड, ओके एट कैसी मार्बल्स है व्हाइट और फोर कैसी मार्बल्स है ग्रीन. ये बैग के अंदर पड़ी है, यानी कि बैग के अंदर टोटल कितनी मार्बल्स है, टोटल मार्बल्स कितनी है बैग के अंदर 17 मार्बल्स है. टोटल कितनी मार्बल्स है बैग के अंदर 17. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, वन मार्बल्स इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल उसके अंदर से निकाली, यानी कि टोटल कितनी थी 17 के अंदर से एक बाहर निकाली है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड. सबसे पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मार्बल क्या निकाली आपने, रेड मार्बल निकाली ठीक है. अब टोटल टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, कितनी मार्बल्स पड़ी हैं बैग के अंदर, लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना ई बी द इवेंट ऑफ हैविंग रेड मार्बल्स फलाना ये सारी चीजें नहीं, सीधा क्वेश्चन कराती हूँ ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 17, मार्बल्स कितनी पड़ी हैं 17 पड़ी, और उसके अंदर से आप क्या किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली रेड आने की. अब मुझे बताइए क्या 17 में से कोई भी रेड आ सकती है, नहीं ना, रेड आने के चांसेस क्या, जितनी रेड होंगी उतनी ही रेड आ सकती है. अब रेड कितनी है, फाइव रेड से, तो फाइव रेड है यानी कि चांसेस कितने हुए 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस और डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. यदि ई इवेंट होने के रेड बॉल आने के फेवर में कितने केसेस है, 5 केसेस है. टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 17, तो आंसर क्या आ गया 5/17 आ गया. क्लियर, नेक्स्ट बोलिए क्या बोल रहा है, व्हाइट बॉल आने के क्या चांसेस है, सेकंड में बोल रहा है व्हाइट बॉल. टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 17, अब व्हाइट बॉल एक्चुअल में है कितनी 8, तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 8/17 हो जाएगी. नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है थर्ड में बोल रहा है नॉट ग्रीन,
तो हम क्या निकाल लेंगे, ग्रीन की हम निकाल लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट ग्रीन बॉल इज टेकन आउट। ई बी द इवेंट हमने क्या मान लिया कि ग्रीन बॉल को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर ग्रीन बॉल बाहर आ रही है, ग्रीन बॉल बैग के अंदर से बाहर आ रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस और ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब ग्रीन बॉल है कितनी, फोर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 4/17। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, ग्रीन बॉल आने की। अब ना आने की क्या होगी, नॉट ग्रीन की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार आपके पास क्या होता है, वन। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 1 - 4/17। योर फाइनल आंसर विल बी 13/17। आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 13/17। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, होगी कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देती हूँ उसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वही सेम चीजें, ठीक है, सारी की सारी है, कंसेप्ट में है कुछ भी नहीं, चीजें वही है सारी की सारी। चलिए देखते हैं क्या है आपके पास। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देती, 10th क्वेश्चन मैं करा देती। चलिए, क्या क्वेश्चन के अंदर, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, 100 कॉइन, ठीक है। नेक्स्ट, 51 कॉइन्स, रुपीज 1 कॉइन, 1 रुपी के कॉइन कितने हैं, 50 है, ठीक है। एंड 22 रुपीज कॉइन, और 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 20 है। एंड 5 10 रुपी के कॉइन, यानी कि 10 रुपीज के कॉइन कितने हैं, सॉरी, हाँ, 5 रुपीज के कॉइन, 10 रुपीज 5 कॉइन, यानी कि 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं आपके पास, 10, ये है एक बैंक के पास, ठीक है। चलिए, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। आपको बताना है कि अगर एक कॉइन बाहर निकल जाता है, बाहर गिर जाता है, तो आपको बताना है कि उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। अब कौन सा कॉइन, क्या सबसे पहला क्या बोला, किसकी प्रायोरिटी इसने पूछी है, विल बी अ 50 पैसे कॉइन, कि जो कॉइन गिरा है वो कौन सा कॉइन होगा, 50 पैसे का। टोटल कॉइन्स कितने हैं भाई, टोटल कितने कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स कितने हैं, 180, यानी कि टोटल चांसेस कितने हैं, 180 चांसेस है, टोटल कितने चांसेस है, 180। अब 50 पैसे के कॉइन है कितने एक्चुअल में, 100 है, कितने हैं, 100, तो यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी गिरने की, 100/180, यानी कि इसको काट दीजिए, ये 2 5s है, ये 2 9s है, तो यार फाइनल आंसर विल बी 5/9। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, होगी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, इसको फर्दर ऑफ पॉइंट में सोल्व करना चाहते हैं तो 0.55 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप में देखिए क्या बोल रहा है, नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। अब नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, यानी कि 1 के अंदर से अगर हम माइनस कर दे 5 रुपी का कॉइन की प्रोबेबिलिटी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा आपका, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन, किसकी प्रोबेबिलिटी, 5 रुपीज के कॉइन की प्रोबेबिलिटी। अब 5 रुपए के कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 रुपए के कॉइन की प्रोबेबिलिटी, 5 रुपए के कॉइन एक्चुअल में है कितने, 10 है, कितने हैं, 10/180, तो आपका आंसर कितना आ गया, 170/180, तो योर आंसर विल बी 17/18। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कितना आंसर निकल आएगा, 0.945। डेसिमल में आंसर लिखना चाहते हैं तो डिवाइड करके देख सकते हैं, कर लेंगे, होगी कोई दिक्कत नहीं होगी, कर सकते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। 11th क्वेश्चन आप खुद करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सा 11th क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, अ गेम ऑफ अ चांस कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स टू द रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स बट इज द प्रोबेबिलिटी विल इट विल पॉइंट एट 8। मतलब क्या कह रहा है ये, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, मतलब ये ऐसे सर्कल में कोई है, ठीक है,
और एक एरो है जो घूम रही है, ठीक है। अब वो एरो किसी की तरफ भी जा सकती है। टोटल कितने नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं, 8 नंबर। यहां पे मान लीजिए आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 है। यहाँ पे कोई एरो बन गया, वो एरो स्पिन कर गई तो कहीं पे भी जा सकती है वो, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी, 6 पे भी, 7, कहीं पे भी रुक सकती है वो, रुक सकती है ना। तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए, कितने केसेस हुए, 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 12, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस 8, सबसे स्टेप बाय स्टेप हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, आपने निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। किस पे आए ये, 8 के ऊपर आए। अब 8 कितने टाइम आ रहा है, 8 तो 1 ही टाइम आ रहा है ना, 1 ही टाइम आ रहा है, ये तो नहीं है 2-3 टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब 8 पे आने के चांसेस कितने हैं, इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी 8 पे आने की। मैंने मान लिया लेट ई बी द इवेंट दैट द इट विल स्पिन एट द पॉइंट 8, कि वो 8 पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, स्पिन करके रुक जाएगी, तो उसकी मैंने ई इवेंट ली थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, 1/8। कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए एन ओड नंबर, कि वो ओड नंबर पे रुके, ओड नंबर कि जो एरो है वो ओड नंबर पे रुके। अब ओड नंबर तो कौन कौन से इसके अंदर, देखिए जरा, 1 पे रुक सकती है, 3 पे, 5 पे और 7 पे, यानी कि 4 चांसेस है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आपके पास, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर आप यहाँ की, यहां से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8, दैट इज 1/2। ये चीजों में लिख नहीं रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें आपको लिखनी है, कि लेट ई बी द इवेंट दैट द एरो विल स्टॉप एट एन ओड नंबर, सो द नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस विल बी 1, 3, 5, 7। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस विल बी 4, कितने केसेस, 4। ये सारी चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स में आता है और 1 मार्क्स में आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन, अ नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी निकालनी कि नंबर आपका 2 से बड़ा, 2 से बड़े तो कौन कौन से हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 4, 6 के 6 नंबर, तेरे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर इसकी, प्रोबेबिलिटी 2 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 6/8, इट मीन्स 3/4 आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। डेसिमल में लिखना चाहते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं 0.75, ये आपकी यहां से कितना आया, 0.50, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नंबर लेस देन 9, अ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, कि 9 से छोटे नंबर आने की, अब सारे के सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं, तो 9 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी, कितने इवेंट, कितने पॉसिबल हैं, कितने नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है, 8, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8, यानी कि 8/8, दैट इज इक्वल टू 1, या फिर डायरेक्टली ये भी लिख सकते, ये इवेंट कैसा है, श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, क्या होती है, हमेशा 1, कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत, नहीं आएगी, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या, चलिए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट। देखिए फ्रेंड स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन की क्या है, डाई वाला कर लेते हैं, चलो 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम 14 भी करेंगे, ठीक है, 15 आप खुद करें। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब एक डाई को आपने थ्रो किया, जब आप डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आते हैं, टोटल केसेस कितने होते हैं, 6, क्योंकि उसके फेस कितने होते हैं, 6। अब सबसे पहली प्रोबेबिलिटी किसने निकालनी है, ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, 2, 3 एंड 5, 3 नंबर है जो प्राइम नंबर, 2, 3 एंड 5, ठीक है। अब ये 3 नंबर है प्राइम नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम, ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहां से, 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, एक नंबर जो 2 और 6 के बीच में लाई कर रहा हूं, नंबर लेइंग बिटवीन, लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, 3, 4 एंड 5, यानी कि 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो फेवरेबल केसेस कितने बने यहां से, 3 बने, कितने बने,
थ्री. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6 दैट इज इक्वल टू, यहां से भी आपकी कितनी आई, 1/2 निकल के आई, कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड स्टेप. थर्ड में देखिए क्या करना है हमें, एन ओड नंबर. अब ओड नंबर आने की क्या होगी, अब ओड नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1, 3 and 5, तीन ही ओड नंबर हो सकते हैं. तो इनकी प्रोबेबिलिटी यानी कि फेवरेबल केसेस कितनी है आपके पास, 3. तो 3/6 यानी कि यहां से भी आंसर कितना निकल के आपके पास, 1/2 निकल के. क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बार रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास. ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास. हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जो सिमिलर टाइप के वो क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं. ठीक है, जो अलग अलग टाइप के वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूं. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं. 14 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड. वेल शफल क्यों बोलता है ये बताए आपको, वेल शफल्ड मतलब अच्छे से शफल किया हुआ है उनको. ये नहीं है कि हाँ भाई पहले ही पता है आपको कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, ऐसे वो करते नहीं है, ऐसे 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 करके वो वेल शफल्ड होते हैं, शफल करके रखते हैं उनको. ठीक है, 52 कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. अब टोटल कार्ड्स कितने, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल 50. तो 52 के अंदर से ही निकालेंगे अगर कार्ड निकालेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. किसके निकालने की कार्ड, अ किंग ऑफ रेड कलर. सबसे पहले लिख लेती हूं मैं सारे के सारे, अ किंग ऑफ रेड कलर, चलिए बाद में लिख लेंगे. अब पहले सबसे पहले देख, किंग ऑफ रेड कलर. अब रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, कितने होते हैं रेड कलर के कार्ड, 26 रेड कलर के और 26 ही ब्लैक कलर के. अब रेड हर एक कलर के अंदर, हर एक कलर के अंदर या फिर हर एक जो आप बोलते हैं उसके अंदर क्या, स्प्लिट्स के अंदर, जो जिस भी टाइप के आपके पास कार्ड्स होते हैं, ठीक है, स्पैड है, जैक है, ये सारे के सारे कितने होते हैं आपके पास, 4 टाइप होते हैं. कितने होते हैं आपके पास, सारे के सारे 4 टाइप होते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं. ठीक है, चलिए अब आपको देखना है, डायमंड है, हार्ट है आपके पास, ठीक है, ये सारे के सारे स्पैड है आपके पास. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, आपको बताना है कि रेड कलर का यानी रेड कलर के कितने होते हैं, 26 में से क्वीन कितनी होंगी, सॉरी क्या पूछा है इसने, किंग पूछा, किंग कितने होंगे 26 के अंदर से, 2 होंगे. किंग कितने होंगे, 2. ठीक है, तो यानी कि यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 2/52 आपके पास. सबको ही पता होगा आई थिंक ये सारी चीजें, तो है ना. नेक्स्ट देखिए, अब फेस कार्ड. अब इसने ये नहीं बोला कि कौन से कलर है, फेस कार्ड कितने होते हैं, हर एक टाइप के अंदर कितने कितने फेस कार्ड होते हैं आपके पास टोटल, 10 के बाद 11, 12 और 13, तीनों के तीनों फेस कार्ड होते हैं, होते हैं या नहीं होते. तो 6 रेड कलर के आगे, 6 आपके पास कौन से कलर के आगे है, ब्लैक कलर के. टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड. कितने हो गए, 12 फेस कार्ड. 12/52 आपके पास प्रोबेबिलिटी. काटना चाहिए काट सकते हैं, यहां से 1/26 आ जाएगा, यहां से 3/13 आपके पास आ जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड केस क्या कह रहा है. अ रेड फेस कार्ड जो रेड है, रेड फेस कार्ड. अब टोटल फेस कार्ड कितने थे 12, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई थी, 12/52. अब रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6, तो 6/52 दैट इज 3/26 आपके पास. कोई दिक्कत ये. नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अ जैक ऑफ हर्ट का जैक. अब हर्ट का जैक तो एक ही होगा, हर्ट कौन से कलर का होता है देख लेना आज आपके कार्ड्स, सारे कार्ड्स देख लेना, हर्ट देखना, स्पैड देखना, ठीक है, ये सारे के सारे देखना, डायमंड्स देखना, सारे के सारे चारों के चारों टाइप के. ठीक है, अब हर्ट का जैक कितना होगा, एक ही होगा, जैक ऑफ हर्ट, तो 1, तो आने के चांसेस कितने हैं उसके, 1/52. क्लियर हुआ. अ स्पैड कितने होते हैं टोटल, कितने होते हैं स्पैड टोटल, 13 होते हैं, 13 स्पैड, 13 डायमंड, 13 हर्ट और 13 आपका बच गया जो लास्ट वाला वो. ठीक है, तो चारों के चारों क्या होते हैं आपके पास, 13 13 13, इसके रेशियो में होते हैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे. ठीक है, तो स्पैड कितने होंगे आपके पास, 13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 13/52. अगर यहां से क्लब पूछ लेता आपसे तो क्लब भी कितने होते हैं, 13, वो भी क्या आ जाता, 13/13. यहां से हर्ट पूछ लेता तो हर्ट भी कितने होते हैं,
थर्टीन थर्टीन बाई 52 क्लियर हुआ। डायमंड पूछ लेता, डायमंड भी कितने होते हैं 13, तो 13 बाई चारों के चारों कितने आ जाते 13/52, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाता 1/4 आ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है। अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन, अ क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड कितने होते हैं टोटल 13, अब 13 के अंदर से क्वीन कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, तो 1/13 बिकॉज आपको किसके अंदर से निकालना है, डायमंड के अंदर से क्वीन आपको निकालनी है। किसके अंदर से क्वीन, सॉरी 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 एक सेकंड भाई गलती होगी। 13 के अंदर से आपको 1 सेलेक्ट कर लिया, आपने 13 के अंदर से 1 सेलेक्ट कर लिया, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आए 1, और टोटल कार्ड्स तो कितने आपके पास 52, तो 1/52 आपके क्या हो गए चांसेस हो गए आने के, किसके आने के, क्वीन ऑफ डायमंड आने के। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। देखिए जरा रफ कर देते इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ऐसे इसी टाइप का है ठीक है। अगर इसी के अंदर वो पूछ लेता एन एस कार्ड, एस कार्ड तो एस कार्ड कितने होते हैं आपके पास, अब टोटल एस कितने होते हैं 4, तो 4/52 आपका आ जाता। अगर वो पूछता एस ऑफ डायमंड या एस ऑफ रेड कलर, तो एस ऑफ रेड कलर कितने होते हैं 2 होते, 2 एस रेड कलर के, 2 एस ब्लैक कलर के, तो रेड कलर के एस कितने होते हैं 2, तो आंसर क्या आ जाता है 2/52। इनफैक्ट नेक्स्ट वाला मैंने कराई दिया आपको ठीक है, इसी टाइप से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 17 एक जैसे टाइप किया, थोड़ा 17 बड़ा है तो इसमें मैंने 17 आपको करा दिया। क्वेश्चन देखिए क्या, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल कितने बल्ब्स हैं 20 बल्ब्स। अब इसके अंदर से डिफेक्टिव कितने हैं 4 है, यानी कि नॉन डिफेक्टिव कितने बचे, फिर कितने बचे 16 ऐसे बल्ब्स हैं जो ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। अब एक लॉट के अंदर 20 बल्ब है, 20 के अंदर से 4 डिफेक्टिव है, आपको बताना है कि डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बल्ब इज डिफेक्टिव, टोटल कितने बल्ब है भाई, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी मानने, हमने इवेंट मान लिया ई, इसकी क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी टोटल नंबर ऑफ केसेस और ऊपर क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब डिफेक्टिव बल्ब है कितने 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 4/20, आंसर कितना आ जाएगा 1/5, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, कर लेंगे ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, सपोज दैट द बल्ब इज ड्रॉन इफ इट इज नॉट डिफेक्टिव इट इज नॉट रिप्लेस्ड, आपने क्या किया इसके अंदर से एक बल्ब निकाल दिया, बल्ब निकाल लिया यानी कि 20 के अंदर से एक बल्ब आपने निकाल लिया, कितने बच गए 19, उसको आपने रिप्लेस नहीं किया, वापिस से अंदर नहीं डाला, अगर वो डिफेक्टिव नहीं है, अगर वो सही है बल्ब, अगर वो चलता है तो उसको अंदर नहीं डाला, उसको अंदर नहीं डाला, यानी कि इन 16 के अंदर से एक फिर बाहर आ गया, क्योंकि कौन सा बल्ब बाहर आया है नॉन डिफेक्टिव, कौन सा अगर डिफेक्टिव आता तो उसको वापिस डाल दिया, अगर इन 4 में से कोई बल्ब बाहर आता है तो उसको हमने वापस डाल देना, इसने बोला अगर वो नॉन डिफेक्टिव है तो उसको बाहर रखना है, यानी कि 16 के अंदर से ऑब्वियसली बात एक बाहर आ जाएगा, यानी कि 16 अंदर कितने बच गए 15, नॉन डिफेक्टिव कितने बच गए 15 और टोटल कितने बच गए 19, क्योंकि एक बल्ब कहां आ चुका है बाहर, वो कौन सा है नॉन डिफेक्टिव। देन नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, जो बचे हुए 19 है उसके अंदर से एक बल्ब आपने निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब डिफेक्टिव होगा तो अगर डिफेक्टिव की पूछ ले तो डिफेक्टिव तो कितने हैं 4, डिफेक्टिव कितने हैं आपके पास 4 और बल्ब कितने बचे हुए हैं आपके पास 19 बचे हुए ठीक है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/19, लेकिन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन डिफेक्टिव की, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव बताइए टोटल कितने बल्ब बचे हुए अंदर 19, अब डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव के अंदर से एक तो बाहर ले लिया आपने, बच गए कितने अंदर 15 बच गए, तो आपका आंसर क्या आएगा 15/19, योर फाइनल आंसर विल बी 15/19। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे कोई दिक्कत होगी, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रेफर दो इसको, फिर देखते क्वेश्चन क्या है ठीक है। चलिए देख लेते क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला, अभी देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर हमें। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डिशेज विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 90,
इफ वन डिश इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ टू डिजिट नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अ नंबर डिविजिबल बाय 5. अब कितनी डिस्क हैं, कितनी डिस्क हैं टोटल 90 डिस्क. कितनी डिस्क है टोटल 90 डिस्क, ठीक है, बॉक्स के अंदर. अब बताइए कि अगर आपने एक डिस्क बाहर निकाली तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ टू डिजिट नंबर. टू डिजिट नंबर, अब मुझे टोटल बताइए टू डिजिट नंबर होते कितने हैं. 90 डिस्क हैं टोटल, 90 डिस्क, ठीक है. नंबर फ्रॉम 1 टू 90, 1 से 90 तक के नंबर की टोटल 90 डिस्क है. यानी कि एक नंबर की एक है, दो नंबर की दो, दो नंबर की भी एक है, तीन नंबर की भी एक है, चार नंबर की, यानी कि 90 नंबर की कितनी है टोटल 90, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक. अब टू डिजिट के नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या निकली, तो हम इवेंट मान लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग अ टू डिजिट नंबर. अब दो डिजिट के नंबर, अब वन डिजिट के नंबर तो सिर्फ कहां से कहां तक होते हैं, वन से लेके कहां तक, नाइन तक. यानी कि वन डिजिट के नंबर तो सिर्फ आपके पास नाइन है, टोटल नंबर कितने हैं 90. तो वन डिजिट के नंबर कितने बच गए, 90 माइनस 9. टू डिजिट के नंबर कितने बच गए, 81. तो टू डिजिट के डिस्क आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, 81/90. तो 9 9s are 9 10, यानी कि 9/10 आपके पास. क्लियर हुआ, कर लेंगे. नेक्स्ट देखें, चलिए सेकेंड स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली डिस्क बाहर आनी चाहिए. परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, 1 4 1 4 9, या परफेक्ट स्क्वायर किस किस का होता है, 1 का 3 का, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का 2 का 3 का 4 5 6 7 8 9. 9 तक ही आएंगे क्योंकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 81. 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64. 7 का परफेक्ट स्क्वायर 49. 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36. 5 का 25. 4 का 16. यानी कि ये वाले नंबर बाहर आएंगे. सिर्फ कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा, 25 आएगा, 36 आएगा, 49 आएगा, 64 आएगा, 81. तो टोटल कितने नंबर बाहर आने के चांसेस है, 9 आने के. कितने आने के, 9. और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 19. तो 1/10 आपका आंसर आ जाएगा. यहां से आया समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. नंबर डिविजिबल बाय 5, जो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाए. अब 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, 90. कितने नंबर होंगे, अब 1 से लेके 10 तक कितने नंबर होते हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, 2. 5 और 10, 10 से लेके 20 तक भी 2. और टोटल कितने कितने हैं, 1 से लेके 90 तक. यानी कि 1 वाली रो में 1 से लेके 10 तक 2, 10 से लेके 20 तक भी 2, 20 से लेके 30 तक भी 2, 30 से लेके 40 तक भी 2. तो यानी कि कितने बन गए टोटल, सारी रो कितनी आपके पास, 9 रोज है जो कि 90 तक चल रहा है. तो कितने हो गए, 9 multiply 2, यानी कि कितने नंबर आए, लिख सकते हैं आप खुद क्या क्या नंबर, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. चलिए लिख देती हूँ मैं, 55 60 65 70 75 80 85 90. कितने नंबर है टोटल, 18 नंबर है. कितने नंबर है, 18. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 18/90 दैट इज इक्वल टू 1/5. प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी आपके पास, 1/5. क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे. आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कर सकते हैं अच्छे से, करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाले, हमारे पास रफ कर दूं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या. चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है हमारे पास. देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड क्या कह रहे हैं. 20th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20th. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 15.6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर. ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल. आपने यहां पे एक डाई थ्रो कर, आपने यहां पे एक डाई थ्रो कर दी. अब आपको बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि डाई कहां पे थ्रो हो जाए, डाई कहां पे लैंड करे, इस सर्कल के अंदर लैंड करे. यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई विल लैंड ऑन अ सर्कल. तो टोटल किसके ऊपर आपने फेंकी है, रेक्टेंगल के ऊपर, इसके बाहर तो नहीं फेंकी. तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस किसका एरिया, सर्कल का एरिया. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर हुआ कंसेप्ट, आएगी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, करें अभी. चलिए देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है ये 2 मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है. तो यानी कि लेट
E be the event that die will land on circle. कि डाई कहां पे लैंड करे, सर्कल पे लैंड करे. अब टोटल नंबर ऑफ केसेस तो क्या होंगे, एरिया ऑफ सर्कल होगा, तो सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के ऊपर ही आपने थ्रो किया डाई, तो 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वेयर. अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, और रेडियस कितनी है 1 मीटर बोला हुआ है, तो पाई आर यानी कि 1, यानी कि पाई आपके पास आ गया, यानी कि आपके पास कितना आया पाई आर, आर 1 डायमीटर बोला है ना, सॉरी 1 डायमीटर, तो 1 डायमीटर तो रेडियस कितनी होगी 1/2 का स्क्वायर, तो पाई बाय 4, पाई बाय 4 का आप सोल्व करेंगे यानी कि 3.14/4, तो 0.78 आपके पास आ गया, कितना आ जाएगा 0.78. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो प्रायोरिटी ऑफ ई क्या आएगी, ई की प्रायोरिटी एरिया किसका, सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सर्कल का एरिया क्या है 0.78, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है आपके पास 6, इसको काट दीजिए तो 0.13 आपके पास प्रायोरिटी आ जाएगी. क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.30. क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, आई कोई दिक्कत नहीं आई ना, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बस 3 क्वेश्चन और करेंगे हम, 22, 24 एंड 29. ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इनफैक्ट मैंने लगभग सारे ही करवा दिए, एक आधा छोड़ा है आपका. ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 क्वेश्चन. देखिए क्या कह रहा है, रेफर टू द एग्जाम्पल 13, कंप्लीट यूर टेबल. अब एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या है वो हमें नहीं देखना, मैं सीधा सीधा बता देती हूँ आपको, कि दो डाई जब आप थ्रो करते हैं, जब आप दो डाई थ्रो करते हैं, ठीक है, डाइस जब आप थ्रो करते हैं, तो आपने बताना है, टेबल दी हुई आपके पास, देख लेना एक बार, स्क्रीन पे आ रही है टेबल आपके, सम ऑन द टू डाई क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी आपको बतानी. जब भी आप दो डाई को आप थ्रो करते हैं, दो डाइस को जब आप थ्रो करते हैं, तो क्या क्या केसेस बनते हैं आपके पास, देखना जरा, टेबल बनाती हूँ मैं, टेबल कैसे बनेगी, हमेशा ऐसे बनेगी, देखना फटाफट से बनाते, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये दो डाई थ्रो करेंगे तब की टेबल है हमारे पास. ठीक है, कैसे बनेगी ये टेबल देखते हैं जरा. अब जब भी आप दो डाई थ्रो करते हैं ना, हमेशा कितने केसेस आते हैं आपके पास, देखना, पहली डाई थ्रो करेंगे 6 केसेस, कौन कौन से समझाती हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब आपने फर्स्ट डाई थ्रो कर दी, मान लीजिए फर्स्ट डाई पे कितना आ गया, 1 आ गया, फर्स्ट डाई पे कितना आ गया मान लीजिए 1. अब सेकंड डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. आ सकता है नहीं आ सकता है, आ सकता है. अब मान लीजिए फर्स्ट डाई पे क्या आ रहा है 2, तो सेकंड डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, सेकंड डाई पे 4 भी आ सकता है, सेकंड डाई पे 5 भी आ सकता है, सेकंड डाई पे 6 भी आ सकता है. कोई दिक्कत यहां तक आई थिंक, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कर लेंगे. तो इसी तरीके से आपने टेबल कंप्लीट करनी है. यहाँ पे कर लीजिए, मान लीजिए फर्स्ट डाई का ये होगा, यहाँ पे होगा सेकंड डाई का. ठीक है, तो फर्स्ट डाई पे, जब फर्स्ट डाई पे 1 आएगा, तो सेकंड डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 लिख दिए मैंने. ठीक है, अब फर्स्ट डाई पे 2 आ सकता है, सेकंड पे 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 कोई दिक्कत नहीं है. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 इस टेबल से ही पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगी मैं. ठीक है, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 ठीक है, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 and 5, 6 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6 अब ये बोल रहा है कि जब आप डाई उछालते हैं, जब आपने दो डाई उछाली, ठीक है, 1 blue 1 gray as shown at the same time, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ दी, then write down the all the possible outcome, what is the probability that the sum of the number appearing on the top of the die is, एक एक आपने डाई उछाली रेड कलर की, एक आपने डाई उछाल दी ग्रे कलर की, तो आपने बताना है कि दोनों डाई पे जो सम आएगा, दोनों डाइस पे जो नंबर आएंगे उनका सम क्या क्या आ सकता है. मान लीजिए फर्स्ट डाई पे कितना आ रहा है 1, सेकंड डाई पे क्या आ सकता है,
कम से कम क्या आ सकता है, वन, यानी कि दोनों का सम कम से कम कितना हो सकता है, टू हो सकता है। कब हो सकता है टू आपका, जब दोनों डाई पे क्या क्या है, वन बना है। अब दोनों डाई पे सम और कितना हो सकता है, थ्री हो सकता है। एक डाई पे वन आ जाए, दूसरी पे टू, दूसरी पे वन आ जाए, पहली पे टू आ जाए, तो क्या बनेगा यहाँ पे सम कितना होएगा, थ्री। सम थ्री कहाँ पे होएगा, जब आपका पहली डाई पे वन आ जाए, पहली डाई पे वन, दूसरी पे टू, पहली पे टू, दूसरी पे वन, ठीक है। तो ऐसे बनाते चलिए, ऐसे बनाते चलेंगे। सम कितना है, सम कितना है यहाँ पे, जब इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया उसका सम टू, यहाँ पे सम कितना दोनों डाई का थ्री, यहाँ पे सम कितना दोनों डाई का फोर, यहाँ पे सम कितना दोनों डाई का, डायगनल एलिमेंट ऐसे चल रहा है आपने, कितना फाइव। यहाँ पे सम कितना वन फाइव टू फोर थ्री थ्री फोर सिक्स एंड फाइव वन, कितने नंबर बने देख लिए, वन टू थ्री फोर फाइव। सम कितना सिक्स, सम सिक्स, यहाँ पे फोर थे ना, एक सेकेंड, हाँ नंबर कितने हैं फाइव, यहाँ पे कितने नंबर है वन नंबर है, कितने नंबर है वन, यहाँ पे कितने हैं टू, यहाँ पे कितने हैं थ्री, यहाँ पे कितने हैं फोर, यहाँ पे कितने हैं आपके पास फाइव नंबर है, सम कितना है सिक्स, नंबर कितने हैं फाइव, सम कितना है सिक्स। अब नंबर देखिए, सम कितना है सेवन, सम है सेवन और नंबर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नंबर कितने हैं टोटल सिक्स, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। फाइव और यहाँ पे मैंने सिक्स और यहाँ पे सम लिखे मैंने सारे के सारे, ऊपर सारे के सारे सम है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिर से सम कितना आ गया एट, एट सम पे कितने नंबर बने वन टू थ्री फोर फाइव, एट सम के कितने नंबर बने फाइव, नाइन सम के कितने नंबर बने फोर, इलेवन सम के कितने नंबर बने एक सेकंड, टेन सम के कितने नंबर बने थ्री, इलेवन के कितने बने टू और ट्वेल्व के कितने बने नंबर वन नंबर, कितने नंबर बने वन, यानी कि चांसेस, चांसेस जिसको बोलते हैं, फेवरेबल केसेस जिसको बोलते हैं, जब आपके पास दोनों डाई पे जो नंबर आते हैं उनका सम अगर टू है तो उनके फेवर में कितने केसेस जाएंगे वन, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी वन बाय टोटल कितने केसेस है सिक्स 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 सिक्स, टोटल कितने केसेस है थर्टी सिक्स केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं थर्टी सिक्स। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर हैविंग सम, हैविंग सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ, कितना नंबर मान लीजिए एट बोला है इसे, सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ टू डाई, दोनों डाई के जो, दोनों डाइस के जो टॉप पे नंबर आ रहे हैं उन दोनों का सम, उन दोनों का सम कितना होगा एट, अगर सम होगा तो एट सम कहां हो सकता है देखना जरा, सिक्स टू थ्री फाइव फोर फोर फाइव थ्री सिक्स टू, कितने नंबर है टोटल फाइव नंबर है, कितने फाइव, तो प्रायोरिटी क्या हो जाएगी फाइव बाय थर्टी सिक्स। तो ऐसे ही आपने टेबल कंप्लीट करनी है, कौन सी है टेबल, ये आपके पास टेबल है कि सम टू है, सम टू है तो प्रायोरिटी क्या होगी, यहां पर लिख दू सम, तो प्रोबेबिलिटी सम टू है तो प्रायोरिटी कितनी वन बाय थर्टी सिक्स, सम थ्री है तो प्रायोरिटी कितनी देख लीजिए कितने नंबर, थ्री सम है तो दो नंबर है एक कम है, सम फोर है तो थ्री बाय थर्टी सिक्स, सम फाइव है तो फोर बाय थर्टी सिक्स, सम सिक्स है तो फाइव बाय थर्टी सिक्स और सम सेवन है तो सिक्स बाय थर्टी सिक्स, फिर सम अगर आपके पास एट है तो फाइव बाय थर्टी सिक्स कम होता चला गया ना, क्योंकि नीचे आते चला गया, सम एट है तो फाइव, सम नाइन है तो सिक्स बाय थर्टी सिक्स, सम टेन है तो, सम नाइन है तो फोर, सम टेन है तो थ्री बाय, सम इलेवन है तो टू बाय थर्टी सिक्स और सम ट्वेल्व है तो कितने बाय थर्टी सिक्स आपके पास वन बाय थर्टी सिक्स। क्लियर हुआ कंसेप्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट आई समझ, नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे कितनी पॉसिबल आउटकम्स होंगी 12 पॉसिबल, 11 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, कौन कौन सी, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, लेकिन हमारे पास तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है टोटल, कितनी बनाई है मैंने टोटल सिक्स 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 सिक्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है, यानी कि बच्चे का आर्ग्यूमेंट क्या है रॉन्ग है, 11 नहीं है, टोटल कितनी पॉसिबल आउटकम्स है 36। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1 बाय 11, और क्या बोल रहा है कि हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 बाय 11, डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर, जी नहीं, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 11 तो नहीं है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट टोटल ही चांसेस ही कितने हैं, टोटल आउटकम्स ही कितने आपके पास 36, तो 11 आने का चांसेस ही नहीं है, बिकॉज देर आर टोटल 36 आउटकम्स, सो द आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग, बच्चे का आर्ग्यूमेंट क्या है रॉन्ग है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको फिर देखते हैं, समझ आया होगा आई थिंक अच्छे से आपको, ठीक है। जब भी आप दो डाइस जब उछालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं 36 आउटकम्स आते हैं, क्यों क्यों आते हैं,
क्योंकि पहले का अगर वन आएगा तो दूसरे के केसेस में कितने हैं, वन के कॉरेस्पॉन्डिंग छह के छह चलेंगे, टू के कॉरेस्पॉन्डिंग छह के चले, थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग फिर सिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 24, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ये मैंने रफ नहीं करना चाहिए था, चलो कर दिया मैंने, फिर भी कोई बात नहीं। 24, वही एक डाई को कितनी बार उछाला, डाइस को टू टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने आए आपके पास, अभी अभी मैंने बताया टोटल आउटकम कितने आए आपके पास, 36। ठीक है, देन बताइए, फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम, फाइव विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि फाइव किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए। अगर हम ये निकाल लें कि फाइव टाइम, फाइव वन टाइम तो कम से कम आ जाए, फाइव कम से कम वन टाइम तो आ जाए, हमारा काम चल जाएगा, वन में से उसको माइनस कर देंगे, यानी कि हम मान लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट। दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, अलग अलग निकाल दीजिए, दो डाइस होगी, फर्स्ट डाई का अलग निकाल दीजिए, सेकंड डाई का अलग निकाल दीजिए। फर्स्ट डाई का निकालेंगे, फर्स्ट डाई का देख, दो तरीके से, फर्स्ट डाई का निकाल दीजिए और सेकंड डाई का, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट डाई पे कि पांच नहीं आना चाहिए, फर्स्ट डाई पे निकालिए कि फाइव विल नॉट कम अप ऑन आइदर साइड, पांच नहीं आना चाहिए। पांच आने के चांसेस कितने हैं, पांच आने के चांसेस कितने हैं, वन, कितने चांसेस है वन, तो प्रायोरिटी क्या होगी, वन बाय सिक्स आने के बोला मैंने, तो ना आने की कितनी होगी, वन माइनस वन बाय सिक्स दैट इज फाइव बाय सिक्स। ऐसे ही सेकंड डाई पे ना आने की, वन माइनस वन बाय सिक्स दैट इज फाइव बाय सिक्स, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25/26, यानी कि पांच ना आने, पांच ना आने की। अगर ये बोले कि फाइव विल कम अप एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक बार तो फाइव आना ही आना चाहिए, ये भी बताऊंगी मैं, पहले एक बार इसी को कर लेते, दूसरे मेथड से देखिए जरा, लेट ई बी द इवेंट दैट फाइव विल कम ऑन आइदर साइड, कि फाइव कम से कम एक साइड पे तो आना ही जाना चाहिए, दोनों साइड बेशक आ जाए, देखना जरा, अगर फाइव पहली साइड पे आ गया दूसरी पे नहीं आया, पहली पे आएगा दूसरी पे नहीं आया, पहली पे आएगा दूसरी पे नहीं आया, पहली पे आ रहा है सब में सिक्स, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, दूसरी पे आ रहा है, ठीक है, दूसरी बार जब उछाला है तब आ रहा है, पहली बार उछाला जब नहीं आ रहा, अभी फाइव फाइव फिर से आएगा, जरा ध्यान से देखना एक बार, ये स्टेप मेन है, अब देखना फाइव फाइव यहां भी आ रहा है, फाइव फाइव यहां भी आ रहा है, तो फाइव को एक बार ही काउंट करेंगे, दो बार तो काउंट नहीं करेंगे, दो बार तो काउंट नहीं करेंगे, डायगोनल एलिमेंट जब आपने बनाए थे, जब आपने सम 10 किया था, फाइव फाइव जब आया था, दो बार तो काउंट नहीं किया ना, एक बार, तो हमेशा जब भी आपके पास दो बार नंबर रिपीट हो जाता है, दो बार जब भी नंबर रिपीट हो जाए उसको एक बार ही आपने काउंट करना है, दो बार नहीं करना, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स यहां से, सिक्स यहां से, ट्वेल्व, लेकिन एक बार काउंट करना है, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स, इलेवन, कब, फाइव ऑन द आदर साइड, कि पांच एक साइड में तो आना ही आना चाहिए, ठीक है, तो ना आने का, ना आने का, फाइव विल नॉट कम अप ऑन आइदर साइड, फाइव एक भी साइड नहीं आना चाहिए, तो ना आने का मतलब क्या हुआ, वन माइनस इलेवन बाय 36, तो वन माइनस इलेवन बाय 36 यानी कि 20/36, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। सेकंड क्या बोल रहा है, फाइव विल कम ऑन एटलीस्ट वन साइड, कि फाइव कम से कम एक साइड पे तो आना ही आना चाहिए, दोनों पे भी आ सकता है, फाइव एक साइड पे आ रहा है दोनों पे भी आ रहा है, फाइव एक साइड पे आ रहा है दोनों पे, लेकिन दो बार रिपीट होगा उसको एक बार लिखना है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहां से, 11/36, आया कंसेप्ट समझ, हुई कोई दिक्कत नहीं हुई, कर लेंगे क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है, करें लास्ट क्वेश्चन, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का क्या है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, लास्ट क्वेश्चन देखिए बस क्या है क्वेश्चन, देखिए जल्दी से क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, Which of the following argument are correct and which are not correct? Give reason. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, and one of each. Therefore, each of these outcomes, the probability is 1/3. ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कि अगर आप दो coin को उछालते, दो coin को उछालते, हम अपनी तरफ से बनाते, फिर देखते इसका सही है नहीं। दो coin को उछालिए, तो possible outcome क्या आएंगे? Head head, head tail, tail head और head head. तो head, sorry tail tail. तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4, टोटल 4 है तो 1/4, टेल टेल दोनों साइड टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4. अब या हेड आए या टेल आए, हेड और टेल, हेड और टेल, या तो हेड आए या टेल, मतलब पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, तो कितने केसेस? टू केसेस, तो 2/4, यानी कि इसके तो कितना है, 1/4, 1/2 और 1/3, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसने बोला है कि अगर दोनों हेड आ रहे हैं, अगर दोनों हेड आ रहे हैं या फिर दोनों टेल आ रहे हैं, दोनों टेल आ रहे हैं या फिर वन ऑफ ईच, वन ऑफ ईच मतलब या हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, तो उस केसेस में तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/3 आ रही है। जी नहीं,
प्रोबेबिलिटी तो कितनी आ रही है, 1/4, 1/4 और 1/2, रॉन्ग हो गया इसका मतलब। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, उसने जो बोला है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एक डाई को थ्रो करते कितनी पॉसिबल आउटकम आती है, डाई को थ्रो करते हैं, डाई को थ्रो करते तो कितने केसेस आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 केसेस आते हैं। अब इसमें वो है दो पॉसिबल आउटकम्स हो रही है, कौन कौन सी हो रही है, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, ये ऑड नंबर और इवन नंबर। अब इसमें वही चीज है, दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं 1, 3 और 5, इवन नंबर आ रहे हैं 2, 4 और 6, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट कि दो पॉसिबल आउटकम्स हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर कितने हैं, ऑड नंबर कितने हैं, 1, 3, 5 यानी कि 3, इवन नंबर कितने हैं, 2, 4, 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर और ऑड नंबर आने की, इवन नंबर आने की क्या होगी 3/6 और ऑड नंबर आने की क्या होगी 3/6, यानी कि 1/2 यहां से आया, 1/2 यहां से आया। क्वेश्चन बिल्कुल सही कह रहा है, इसने भी यही बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, बिल्कुल सही है, ऑड नंबर की पूछे या इवन नंबर की पूछे आना कितना है 1/2, तो ये आपका करेक्ट है। और जो इसने बोला है ये वाला 1/3 वाला, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट कौन सा है ये वाला जो मैंने आपको करके दिखाया। आया कंसेप्ट समझ, क्लियर हुआ, कोई कोई दिक्कत नहीं होगी होगी आई थिंक, है ना। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर बनता है फ्रेंड, आपके लाइक से ना बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है आप लोगों को पता है। ठीक है, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।